हाय एवरीवन, जय श्री राम। दोस्तों दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं फाउंडेशन की कलेक्शन दिखा रही हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार से ज़्यादा हमारे पास फाउंडेशन है। दोस्तों इस डब्बे में बहुत सारे फाउंडेशन है, कंसीलर है वगैरह वगैरह। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस डब्बे में क्या क्या है तो प्लीज़ कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना, तो मैं आप लोग के साथ सारे फाउंडेशन कंसीलर शेयर करूंगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं सोच रही हूँ ये डब्बा कहाँ रखूँ। कब से मैं परेशान थी कहाँ रखूँ कहाँ ना रखूँ, फिर मैं रखने के मुझे मिल गया। तो सबसे पहले मैं फाउंडेशन दिखा रही हूँ। ये मेरा NYB का फाउंडेशन जो कि 3-in-1 फाउंडेशन है और ये कोरियन फाउंडेशन है। दोस्तों ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा होता है और आपको सेल में मिलेगा सिर्फ 150 रुपये में, और बिना सेल के अगर आप लोग लोगे 269 रुपये मिलेगा। और ये लिक्विड फाउंडेशन है, एकदम आपके फेस को एकदम हाईलाइट कर देता है, बहुत शाइन करता है ये फाउंडेशन। दोस्तों मैं तो कहूँगी आप लोग ये फाउंडेशन ज़रूर से ज़रूर बाय करना अगर ऑफ़र में रहेगा तो। वैसे ये सबसे सस्ता फाउंडेशन है 269 रुपये में। दोस्तों मैं तो कहूँगी आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर परचेज़ करना, इसका NYB का फाउंडेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो देख ही रहे हो कि मैं कह रही हूँ कि लेना, ज़रूर ले लेना। और सेकंड फाउंडेशन मैं दिखा रही हूँ कि ये लैक्मी 925 का है, और ये मेरे पास दो दो फाउंडेशन है। एक है 128 सेट का, एक है 230 का। मेरे फेस में जाता 230, मैं क्योंकि काली हूँ तो एक मैं ली थी बहुत पहले और अभी मैं ली हूँ कुछ दिन, मतलब कुछ महीने हुए हैं, और एक पिछले साल का है। दोस्तों ये लैक्मी 925 भी फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है। और अब मैं दिखा रही हूँ तीसरा फाउंडेशन, ये मेरा फेसेस कनाडा का 3-in-1 फाउंडेशन है। दोस्तों ये मुझे ओके ओके लगा, क्योंकि शायद मुझे यूज करते नहीं बनना फाउंडेशन, या मैं क्या ही बोलूँ, मुझे टिक टिक लगा है। ठीक है, फेसेस कनाडा का 3-in-1 फाउंडेशन है। इसके बाद L18 का फाउंडेशन है 88 रुपये में। ये मुझे कुछ भी खास नहीं लगा, पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर आपके पास बजट बहुत कम है तो आप ले सकते हो, 88 रुपये में आ जाता है L18 का। और ये है मेरा, जब मैं पार्लर सीखा करती थी तो उस समय मैं ली थी स्विस ब्यूटी एयर ब्रश फाउंडेशन। काफ़ी अच्छा रहता है ये भी, अगर आप लोग बिगनर्स हो, अगर आप लोग सीख रहे हो मेकअप वगैरह तो आप लोग ले लेना। मेरा शेड है 03 इसमें और 06, ये दो फाउंडेशन है। ये काफ़ी पुराना फाउंडेशन है, ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े ख़त्म भी हो चुके हैं। और इसके बाद ये है मेरा फेवरेट 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 फाउंडेशन जो कि मेवलिन फिटमी का है। एक 128 है, एक 340 है और एक 230 है। ये शेड है मेरे, तो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये देख लो शेड 120 है, 341 और 230। तो ये मेरे फेवरेट फाउंडेशन है मेवलिन फिटमी का। ये न्यूयॉर्क से है, तो ये मेवलिन का आप लोग कोई फाउंडेशन लो या ना लो, लेकिन मेवलिन फिटमी का ज़रूर से ज़रूर एक बार ले लेना और आप लोग चेक ज़रूर कर देना। मैं तो इससे एकदम इसकी दीवानी हो गई हूँ। और ये मेरा मामा अर्थ सीरम फाउंडेशन है। ये अभी तक मैं यूज नहीं कर रही हूँ, ये काफ़ी दिनों से मैं ख़रीद रखी थी, मैं खुद भूल गई थी कि ये मेरे पास फाउंडेशन है। कल मुझे अलमारी से ये चीज़ मिला था, बट हो गया, अभी तक मैं यूज नहीं कर रही हूँ। अभी मैं अपने हाथ में लगा के देख रही हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जब मैं अपना हैंड वॉश करी तब भी ये फाउंडेशन नहीं छूटा था, ना ही NYW फाउंडेशन छूटा, ना ही मामाअर्थ का। और दोस्तों ये तो मैं क्या कहूँ, इसकी तो मैं पूरी तरह दीवानी हो गई इस फाउंडेशन की। ये मेवलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन है और ये 4 से 6 घंटे स्टे करता है आपके फेस में। मैं लगाई थी अपनी फ्रेंड की शादी में जो कि सुबह के 5 बजे तक थे, मैं 8 बजे रात को मेकअप करी थी, सुबह के 5 बजे तक पूरा था। मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी 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 पसंद आया। दोस्तों मैं तो कहूँगी ज़रूर ज़रूर इसे भी बाय कर लेना अगर आपके बजट में है तो। और ये मेरा नायका का फाउंडेशन है, ये डेली वे फाउंडेशन है, आप लोग इसे डेली यूज में यूज कर सकते हो। ये वाइट कास्ट नहीं देता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। शेड अपने हिसाब से ले लेना, जो आपका फेस अकॉर्डिंग होगा तो उसी हिसाब से आप ले लेना। और ये स्विस ब्यूटी फुल कवरेज फाउंडेशन है, ये सबसे घटिया फाउंडेशन है, मुझे बिल्कुल पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर आप लोग का मन हो तो ले सकते हो। दोस्तों वीडियो खत्म होती है, बाय बाय, धन्यवाद।